हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। बिफोर वी स्टार्ट आई विल आस्क यू अ राइडल, ओके? व्हाट हैज लेग्स बट कैन नॉट वॉक? यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस राइडल एंड यू हैव टू टेल मी द आंसर व्हेन वी विल मीट, ओके? सो इन सोशल साइंस वी विल लर्न चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द नॉर्थन प्लेन्स, ओके? Chapter 3 we have learnt about the northern mountains. Now we will see about the northern plains. The northern plains lies to the south of Himalayas, that is south of the northern mountains. In chapter number 3 we have seen northern mountains. Usse thode south mein aate hai to kya aayega? Northern plains. From Punjab in the west to Assam in the east. Where? From Punjab and to Assam, these all are the northern plains. Many rivers originate in the Himalayas, such as Ganga, Brahmaputra, Indus and Satluj, flow through the northern plains. ये सारी rivers कहाँ से originate होती है? From Himalayas और northern plains से होते flow होती है, okay? See. ये नॉर्थन माउंटेन्स से सारी रिवर्स आती है और ये नॉर्थन प्लेन्स के सारे स्टेट्स से फ्लो होती है, ओके? दिस रिवर्स हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल तक ये नदियों में पानी रहता है, क्योंकि वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? फ्रॉम हिमालयस, और हिमालयस माउंटेन में हमने देखा चैप्टर नंबर 3 में, तो पूरे साल तक क्या रहता है? स्नो, ओके? तो स्नो मेल्ट होके ये सारे रिवर्स ओरिजिनेट होती है, तो ये रिवर्स में पूरे साल तक पानी रहता है, ये सीजनल रिवर्स नहीं है, ओके? दिस रिवर्स ब्रिंग विद देम फाइन सॉइल कॉल्ड सिल्ट और एल्यूवियम। एल्यूवियम सॉइल, एल्यूवियल सॉइल इज वेरी फर्टाइल। ये सारे रिवर्स फ्लो होती है तो अपने साथ एक बहुत अच्छी फाइन सॉइल, मिट्टी लेके आती है, उसको बोलते हैं सिल्ट या एल्यूवियम। वो एल्यूवियल सॉइल होती है, वो बहुत ही फर्टाइल होती है। तो हमको ये समझ में आ गया कि फर्टाइल सॉइल होती है तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, ओके? नाउ व्हाट इज अ बेसिन? बेसिन किसको बोलते हैं? द मेन रिवर्स हैव सेवरल ट्रिब्यूटरीज और स्मॉलर रिवर्स जॉइनिंग देम। जो मेन रिवर होती है उनको कई सारी नदियाँ जॉइन होती है, ओके? तो जो एरिया में पानी पहुंचता है या तो मेन नदी से या तो दूसरी जो स्मॉल ट्रिब्यूटरीज होती है उससे वो एरिया वाटर्ड होता है, उसको बोलते हैं बेसिन। एन एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड अ बेसिन। नॉर्थन प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 बेसिन्स। कौन कौन सी? सतलज बेसिन जो वेस्ट साइड है, गंगा बेसिन इन द मिडल एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द ईस्ट। नाउ फर्स्ट वी विल सी अबाउट द सतलज बेसिन। द रिवर सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट थ्रू पंजाब। पंजाब से होते साउथ वेस्ट साइड सतलज रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि स्मॉल स्मॉल रिवर्स फ्लो होती है। दे जॉइन द इंडस रिवर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये सतलज रिवर है वो किसको ज्वाइन होती है? इंडस रिवर को। द इंडस फाइनली फ्लोज इनटू द अरेबियन सी। आपको पता है अरेबियन सी कहाँ है? वो हमने पहले वाले चैप्टर में देखा था, ओके? तो फ्लो होके अरेबियन सी में ज्वाइन हो जाती है। पंजाब एंड हरियाणा लाई इन द सतलज बेसिन। पंजाब और हरियाणा दो स्टेट है जो सतलज बेसिन में आते हैं, ओके? द भाखरा नांगल डैम हैज बीन बिल्ट ऑन द सतलज रिवर। आपको मालूम है जहाँ डैम बनाया होता है वो डैम क्यों बनाया होता है? ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल सके और उसका पानी हम जो है वो इरिगेशन के लिए यूज कर सके। तो भाखरा नांगल डैम बनाया है सतलज रिवर पे, वो क्या प्रोवाइड करती है? इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फॉर इरिगेशन। इंदिरा गांधी कैनल विच स्टार्ट्स फ्रॉम द सतलज प्रोवाइड्स वाटर टू मैनी ड्राई एरियाज ऑफ राजस्थान। जो इंदिरा गांधी कैनल है, कैनल बनाई है कहाँ? सतलज नदी से जो स्टार्ट होती है वो क्या करती है? राजस्थान का जो ड्राई एरिया है वो कई सारे ड्राई एरिया में पानी पहुंचाती है। सो दिस इज द भाखरा नांगल डैम।
ये सतलज बेसिन है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज गंगा बेसिन. द गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स. ओके, द गंगा बेसिन इज स्प्रेड अक्रॉस उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. ये तीन स्टेट से गंगा बेसिन फ्लो होती है. द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्लेशियर गंगोत्री दैट ऑल्सो वी हैव लर्न्ड इन द प्रीवियस चैप्टर. गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? फ्रॉम द ग्लेशियर गंगोत्री. नाउ व्हाट इज ग्लेशियर, वो भी हमने पहले वाले चैप्टर में देखा था. आइस के जो बड़ी बड़ी शीट होती है उसको बोलते हैं ग्लेशियर. इन द माउंटेन्स इट इज फेड बाई सेवरल ट्रिब्यूटरीज सच एज अलकनंदा, मंदाकिनी एंड भगीरथी बिफोर इट एंटर्स द नॉर्थन प्लेन्स एट हरिद्वार. हरिद्वार में गंगा एंटर हुए उससे पहले उसके अंदर किसका किसका पानी होता है, कौन से ट्रिब्यूटरीज का? तो के अलकनंदा, मंदाकिनी एंड भगीरथी. एज इट फ्लोज अलोंग स्लोली इन द प्लेन्स, पूरे नॉर्थन प्लेन्स में फ्लो होती है तो उसके अंदर ये सारे ट्रिब्यूटरीज भी ज्वाइन होती है. कौन सी? यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी एंड गोमती. ये सारे ट्रिब्यूटरीज के नाम है जो मेन गंगा रिवर है उसके साथ ये ज्वाइन हो जाती है. ओके, सो दिस इज द नाउ कम्स द मेन पॉइंट ऑफ गंगा बेसिन. ओके, आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द उत्तर प्रदेश एंड बिहार द गंगा एंटर्स इनटू द वेस्ट ऑफ बंगाल. उत्तर प्रदेश और बिहार से फ्लो होके गंगा फाइनली कहाँ एंटर होती है? वेस्ट बंगाल में. ओके, तो यहाँ क्या होगा? हियर इट स्प्लिट्स इनटू टू मेन ब्रांचेस और डिस्ट्रीब्यूटरीज. आपने पहले पढ़ लिया है ट्रिब्यूटरीज किसको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज किसको बोलते हैं. ओके, तो यहाँ क्या होता है, वो जो मेन गंगा है वो दो ब्रांचेस में यानी कि दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में स्प्लिट हो जाती है. तो दो मेन ब्रांचेस का नाम क्या है? हुगली एंड पद्मा. The Hooghly flows through the Kolkata and then into the Bay of Bengal. Hooghly कहाँ से फ्लो होती है? कलकत्ता से और फाइनली बे ऑफ बंगाल में फ्लो हो जाती है. और पद्मा कहाँ एंटर होती है? बांग्लादेश में. तो बांग्लादेश में एंटर होके क्या होगा? हियर इट जॉइंस द जमुना द मेन ब्रांच ऑफ ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश. बांग्लादेश में जो मेन ब्रांच है ब्रह्मपुत्र बेसिन की, ब्रह्मपुत्र रिवर की, उसके साथ ये जमुना ज्वाइन हो जाती है. जमुना और यमुना दोनों डिस्ट्रीब्यूटरीज अलग है. बिफोर एंटरिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में एंटर होने से पहले बांग्लादेश में जमुना है वो ज्वाइन हो जाती है. ओके, द डेल्टा मेड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. इट इज कॉल्ड द सुंदरबंस. ये सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज जो निकलती है मेन ब्रांच से, मेन रिवर से, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों लार्ज डेल्टा बना देती है. डेल्टा आपको मालूम है जो ट्रायंगुलर शेप का होता है. ओके, तो ये डेल्टा पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट है और उसको नाम दिया गया है सुंदरबंस. ओके, सो हियर टू मेन ब्रांचेस आर जॉइनिंग. नाउ कम्स द ब्रह्मपुत्र बेसिन. द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज अ नैरो स्ट्रिप इन द स्टेट ऑफ आसाम. आसाम स्टेट में ही ब्रह्मपुत्र बेसिन लाई होता है. ओके, द ब्रह्मपुत्र इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द थ्री ग्रेट रिवर्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया के तीनों ग्रेट रिवर्स में से ब्रह्मपुत्र है वो सबसे लॉन्गेस्ट है. इट स्टार्ट्स इन द टिबेट वेयर इट इज कॉल्ड सेंगपो. टी इज द साइलेंट लेटर. और वो कहाँ से स्टार्ट होती है? फ्रॉम टिबेट. It enters India through Arunachal Pradesh and flow through Assam into Bangladesh. कहाँ India में enter कहाँ होती है ब्रह्मपुत्र? अरुणाचल प्रदेश में. And flow through Assam into Bangladesh. Assam से होती वो Bangladesh में enter होती है. It joins the Padma and forms the Sundarban Delta before entering into the Bay of Bengal. वो हमने गंगा बेसिन में भी देखा, वो पद्मा के साथ ज्वाइन होके डेल्टा बनाती है जिसको नाम दिया गया है सुंदरबन. सी दिस इज द नाउ फर्स्ट स्टेट इज पंजाब. पंजाब इज फेड बाय सतलज, रवि एंड बीस रिवर एंड इज वेरी फर्टाइल. कौन सी रिवर से पंजाब में पानी है? सतलज, रवि एंड बीस. चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा. पंजाब और हरियाणा का दोनों का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़. ये याद रखना. ओके, द फेमस गोल्डन टेम्पल
टेम्पल इज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ अमृतसर. इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल्स, स्पोर्ट्स, गुड्स, होजियरी एंड मोटर पार्ट्स आर वेल डेवलप्ड. कौन से लैंग्वेजेस पंजाब में बोली जाती है? तो पंजाब है तो मेन लैंग्वेज होगी पंजाबी. एंड सेकेंड इज हिंदी. हिंदी कई सारे स्टेट्स में बोली जाती है क्योंकि हिंदी इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. ओके. एंड फेस्टिवल्स, विच ऑल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन पंजाब? गुरुपुर्ब, बैसाखी, होली एंड दिवाली. और फोक डांसेस है भांगड़ा एंड गिद्दा. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर. हरियाणा इज ऑल्सो सिचुएटेड इन द सतलज बेसिन. ओके. और वहाँ की मेन लैंग्वेज है हिंदी एंड हरियाणवी. गुरुग्राम एंड हरियाणा हैज द लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. मारुति फैक्ट्री, मारुति कार है उनकी फैक्ट्री. कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बहुत बड़ी गुरुग्राम एंड हरियाणा में आई हुई है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज दिल्ली. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, वी ऑल नो. ओके. यू हैव ऑल्सो लर्न्ड इन थर्ड स्टैंडर्ड. ओके. द ऑफिसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. इन सब की ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में. वहाँ लैंग्वेज कौन कौन सी बोली जाती है? हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी एंड उर्दू. नाउ कम्स द उत्तर प्रदेश. द स्टेट इज सिचुएटेड इन द गंगा बेसिन. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये कहाँ कौन से बेसिन में है? गंगा बेसिन में. इट्स कैपिटल इज लखनऊ. उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? लखनऊ. और वो कौन से बेसिन में आता है? गंगा बेसिन में. ओके. उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड ऑल्सो. लेदर, मेटल एंड टेक्सटाइल्स आर सम ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज. वहाँ की मेजर इंडस्ट्रीज कौन सी है? लेदर की, मेटल और टेक्सटाइल्स. विच आर लैंग्वेजेस आर स्पोकन हर? हिंदी एंड उर्दू. वो हिंदी एंड उर्दू आर द कॉमन लैंग्वेज. हिंदी, एज आई हैव सेड, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. तो हिंदी कई सारे स्टेट्स में बोली जाती है. और उर्दू हमने देखा कि कौन सा स्टेट, प्रीवियस वाले स्टेट में हमने देखा वहाँ भी उर्दू बोली जाती थी. ओके. नाउ फेस्टिवल, विच आर फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन उत्तर प्रदेश? दिवाली, होली, दशहरा, ईद एंड क्रिसमस. ये सारे मेन फेस्टिवल्स उत्तर प्रदेश में भी सेलिब्रेट किए जाते हैं. द रिवर गंगा एंड यमुना मीट एट द संगम इन अलाहाबाद. अलाहाबाद में संगम है, वहाँ कौन सी दो रिवर मीट होती है? गंगा एंड यमुना. अलाहाबाद, वाराणसी, आगरा एंड कानपुर आर सम मोर इम्पोर्टेंट सिटीज. ये सारे बड़े बड़े सिटीज है कहाँ गए? उत्तर प्रदेश के. अलाहाबाद, वाराणसी, आगरा एंड कानपुर. ओके. नाउ नेक्स्ट स्टेट इज बिहार. इट्स कैपिटल इज पटना एंड इज सिचुएटेड इन द गंगा बेसिन. सी हियर ऑल्सो लैंग्वेज हिंदी एंड उर्दू एंड मैथिली इज द अनदर लैंग्वेज विच इज स्पोकन इन बिहार. फेस्टिवल, तो सेम फेस्टिवल विच आर द मेन फेस्टिवल, ईद, दिवाली, दशहरा. छठ इज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल फेस्टिवल हियर. बिहार में छठ पूजा बहुत एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल मना जाता है. नालंदा एंड बोध गया आर सिटीज ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इन बिहार. नाउ लेट्स सी इन अ वीडियो. हियर यू विल सी मेनी पिक्चर्स ऑफ द सिटी. Delhi, the capital of India, has grown in leaps and bounds since independence. Today, the city is modern, fast-paced and very cosmopolitan. We can see the archaeological evidence to prove that Delhi was built and rebuilt as a city 7 times. 7 cities of Delhi were Qila Rai Pithora, Mehrauli, Siri, Tughlakabad, Firozabad, Shirgarh, Shahjahanabad. As the capital of modern India, it has completed 100 years.
The President of India resides in the beautiful Rashtrapati Bhavan. President of India, where they live? In the beautiful Rashtrapati Bhavan. This you have also learned in third standard, okay? Here are some pictures of Delhi. Let's see them. The Houses of Parliament and Supreme Court are the important landmarks, along with historical monuments like Red Fort, Jama Masjid and Qutub Minar. Next state is Jharkhand. Its capital is Ranchi. Jharkhand is rich in mineral deposits such as coal, iron, copper and aluminium ores. Ores yani ki kacha aluminium, pura pure aluminium nahi, uske ores kacha hota hai, usko kya bolte hai? Ores, okay? India's largest steel plant is located at Bokaro in Jharkhand. इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टील का प्लांट झारखंड में आया है, कहाँ? बोकारो. ओके, एंड नेक्स्ट स्टेट इज वेस्ट बंगाल. इट इज द कैपिटल, इट्स कैपिटल इज कलकत्ता. कलकत्ता उसका कैपिटल है. दैट आल्सो वी हैव लर्न इन थर्ड स्टैंडर्ड, है ना. फिशिंग इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, क्योंकि वेस्ट बंगाल में क्या है, कोस्टल लैंड है, तो वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा लोगों का? फिशिंग. जूट, textile and silk industries in the state are well developed. ये सारी industries भी वो state में well developed है. People speak Bengali and celebrate the festival of Durga Puja. का festival भी वहाँ मनाया जाता है. Main language क्या है? West Bengal है, तो main language होगी Bengali. Sweets famous of the state are Rasgulla and Sandesh. ये sweet वहाँ की famous है. That also we have learnt in third standard. Now Assam. Dispur is the capital of Assam. Assamese is the main language and Bihu is the main festival of the state. Assam ki main language hogi Assamese. The Kaziranga Wildlife Sanctuary is the home of one horned rhinoceros. Rhinoceros, ek singh wale rhinoceros aate hai na, uska ghar hai. Kaun sa? Kaziranga Wildlife Sanctuary. The state has huge deposits of petroleum. Petroleum वहाँ बहुत जमा होता है. Tea production, refining of oil and sericulture and handicrafts are important industries of Assam की. Assam की ये सारी important industries है. एक तो tea production आपको मालूम ही है. You can also see pictures in your canopy book, okay? Refining of oil, sericulture. Sericulture यानी कि that also you will see in your canopy book. You have to read the chapter thoroughly, okay? Sericulture is the agriculture of silkworms. Let's see a quick recap, okay? Several recap. The states located in the northern plains are Punjab, Haryana, Delhi, UP, Bihar, Jharkhand, West Bengal and Assam. These states are rich in agriculture and support dense populations. Delhi, the capital of India, is located here. Other state capitals are Chandigarh, Allahabad, Patna, Ranchi, Kolkata and Dispur. The people have rich cultural heritage and speak different languages. Each state has its own traditional dress, food and different music and dance styles. Each state has ancient forts and monuments, religious places, wildlife sanctuaries which attract tourists from all over. So this was all about lesson number 4. What was the name? The Northern Plains. Thank you.